फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में, मैंने उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। और आज से मैं 1 by 1 पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके लूंगी। जैसे नाउन के भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ नाउन आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं जेंडर बताऊंगी, फिर इसके बाद आपका नाउन नंबर चलेगा एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल। ठीक है, तो जब तक नाउन फिर खत्म नहीं हो जाता मैं पूरा उसे कवर करवाऊंगी, और उसके बाद में सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, इसके बाद फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह से हर टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकन बटन, सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले नाउन। नाउन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा लिया था, पहले मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो प्रीवियस वीडियो है मैंने डाली थी, उसके बाद ही मेरी इस वीडियो पर आप आइएगा। उसमें मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूरे एक्सप्लेन किए, उसका ओवरव्यू दिया है। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, इमोशन और क्वालिटी। हम बचपन में यहां तक पढ़ते थे बस। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके अलावा भी दो ये चीज ऐड करवाई थी आपकी। कैसे? नेम, किसी भी चीज का नेम हमारा नाउन होता है, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये आपको पता है। इसके साथ हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, लव, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे लव हुआ, और या फिर जो हमारी क्वालिटी होती है, जैसे कि ऑनेस्टी हुई, करेज, लव, हेटर, इमोशंस, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ठीक है, तो क्या इमोशंस में जनरली वो चीजें आती हैं या फीलिंग्स में वो चीजें आती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बस उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है कि हम जो महसूस कर रहे हैं ना उसको एक वर्ड के रूप में बोल के बताते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग, किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, इसको भी हम बोल के बताते हैं। क्या आप प्यार को टच कर सकते हो, नफरत को टच कर सकते हो, क्या किसी की ईमानदारी को टच कर सकते हो, नहीं। तो इस चीज का जो भी नाम होता है वो भी नाउन में आता है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इसी बेस पर नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। देखिए, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंस से ही समझा दूंगी कॉमन और प्रॉपर नाउन का। सिर्फ डेफिनेशन इनका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये आती है कि क्यों हम नाउन को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी आप ये कर लेंगे, भाई हमें कोई चीज पता है ये नाउन है, इतना ही तो हमारे लिए काफी है, क्यों हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि हर नाउन के कुछ रूल्स होते हैं लगाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन। बॉय, गर्ल, आई एम अ टीचर, ये सब क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जिससे हम पहचान सके कि हाँ ऐसी चीज को हम ये कहते हैं, कोई भी चीज ऐसी हमें दिख रही होगी ये कहते हैं। लेकिन अगर उससे हमने नाम दे दिया उसके भी नाम को, यानी प्रॉपर नाउन क्या हो गया, कॉमन नाउन को भी पर्टिकुलर नेम हमने दे दिया, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए, सिटी एक नाउन है, सिटी में भी कौन सी सिटी, लंदन। अब लंदन तो हर किसी को नहीं कह सकते ना, लंदन हम हर किसी को नहीं कह सकते। जैसे देखिए, लंदन एक सिटी हो गई, लंदन क्या है, एक सिटी। ठीक है, बहुत सारी सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी सिटीज हैं जिसमें से लंदन एक सिटी है, तो जिसमें से एक लंदन एक सिटी है वो हो गया आपका प्रॉपर यूनिक नेम, और बहुत सारी सिटीज है सिटी का नेम है तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे मोहन, मोहन, मोहन एक नेम है, किसका नाम है, बॉय का नाम, तो बॉय हो गया कॉमन नाउन और मोहन हो गया प्रॉपर नाउन। आरडीबी, आरडीबी सपोज स्कूल का नाम है, तो आरडीबी स्कूल का नाम है, आरडीबी हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और नाम ये किसका है, स्कूल का, स्कूल आपका हो गया कॉमन नाउन। देखिए, नाउन आपको कहीं भी अगर छांटना हो तो सबसे पहले आप नाम पर चले जाइए कि पहले बात तो ये नाम है तो ये नाउन है। अब इसके बाद आपको कॉमन और प्रॉपर में से छांटना है तो आप ये देखिए, ये जो नाम है कोई एक पर्टिकुलर नेम है, जैसे इंडिया। अब आप ये देखिए, इंडिया किसी का नेम है, हाँ इंडिया इज द नेम
कंट्री, हमारे देश का नाम है इंडिया, तो हमारे देश कंट्री वो तो नाउन था ही आपका, कॉमन नाउन, ठीक है। इंडिया किसका नाम है? कंट्री का, तो इंडिया कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर नाम हो गया, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, टीचर हो गया मेरा कॉमन नाउन। ज्योति, ये मेरा नाम है, ज्योति हो गया प्रॉपर नाउन, यानी जिस चीज से वो पहचाना जाता है वो तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसका भी हमने नाम रख दिया, वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम क्या कर लेंगे, हमें क्या मतलब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या करेंगे, सेंटेंस तो हर किसी को जरूरत ही पड़ती है बोलने या लिखने की, तो इसके रूल के बिना आप सेंटेंस में मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस कॉमन नाउन के लिए बोल रहा है, ये जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कॉमन नाउन सेंटेंस के बिगनिंग में, मतलब कॉमन नाउन केवल शुरू में आ रहा होगा तभी कैपिटल लेटर में होगा, अदरवाइज वो स्मॉल में भी हो सकता है, बीच में या एंडिंग में कहीं भी आ रहा हो, यानी कॉमन नाउन के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब वो कोई भी नाउन हो, स्टार्ट तो कैपिटल से ही होना है, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो या एंड में हो रहा हो, वो हमेशा क्या रहेगा, प्रॉपर ही रहेगा, मतलब कैपिटल में ही आएगा, वो अलग से पता चल जाना चाहिए ये प्रॉपर नाउन है, मतलब कॉमन नाउन का भी एक और नाम जो हमने दे दिया, कॉमन नाउन का भी नाउन जो हो गया, ऐसे समझिए, नेम ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का भी एक नेम जो हो गया, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। देखिए जैसे कि अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर बॉयज, राम एंड श्याम आर बॉयज, तो बॉयज इधर हो गया कॉमन नाउन, राम और श्याम हो गए इधर प्रॉपर नाउन। अब आपको इतना पता है कि सेंटेंस तो स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, तो ये तो बिल्कुल सही हमने कर दिया है, राम और श्याम लड़के हैं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगी प्रॉपर नाउन की, लेकिन जिसको नॉलेज होगी ना प्रॉपर नाउन, जो नाम है नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाम को भी हम कोई नेम दे देते हैं वो बन जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो वो ये मिस्टेक नहीं करेगा, वो इसको भी कैपिटल में लिखेगा, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होगी वो इस समय सोच रहा होगा ये तो हमारा बीच में आ रहा है, क्यों, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए स्टार्टिंग में तो बिगनिंग तो सेंटेंस हो गई, कोई भी नाउन हो बिगनिंग तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, प्रॉपर नाउन अगर को आप पहचानोगे और उसको तुरंत करोगे कैपिटल में तभी वो सेंटेंस सही माना जाएगा आपका। जैसे श्याम को मैं एस स्मॉल, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम है, इट इज अ प्रॉपर नाउन, तो जब आपको नॉलेज होगी प्रॉपर और कॉमन नाउन की तभी आप ये कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, अब मैं कहूं आज कौन सा दिन है, सपोज फ्राइडे, मैं कहूं दिन है डे, डे हो गया हमारा कॉमन नाउन, लेकिन फ्राइडे ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से मंथ, मंथ हमारा हो गया कॉमन नाउन, लेकिन फेब्रुअरी चल रहा है इस समय, ठीक है, तो फेब्रुअरी कौन सा मंथ हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, सॉरी मंथ हो गया हमारा कॉमन नाउन, और फेब्रुअरी क्या हो गया, उसको भी हमने यानी कॉमन नाउन को भी एक पर्टिकुलर नाम दे देना जो सिर्फ उसी के लिए हो, यानी फेब्रुअरी सेकंड मंथ होता है, समझ जाओगे, जुलाई नहीं, जून को फेब्रुअरी नहीं बोलेंगे, सिक्स मंथ आएगा तो जून ही बोलेंगे, ठीक है, वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये आपके स्कूल में बहुत काम आता है, क्योंकि स्कूल में 6, 7, 8 की आप ग्रामर में देखोगे तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कॉमन नाउन छाटो, ठीक है, प्रॉपर नाउन बताओ, कलेक्टिव कौन सा है बताओ, मेटेरियल कौन सा है बताओ, वहां पर ये बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए आपको अगर समझ नहीं आया, और भी आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर थर्ड, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या, मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले ये पढ़िए फिर समझिए, द नेम इज गिवन टू रिप्रेजेंट एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहता है। अभी रुक जाइए, पहले आप समझिए जो मैं आपको बता रही हूँ, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, और यहाँ कुछ मैंने लिखे मैं अभी बताऊंगी, अभी ये दो एग्जांपल आप देखिए। देखिए कोई भी नेम जो हम एक ग्रुप को देते हैं, बहुत सारे ग्रुप को देते हैं, एक नेम दे दिया उसको हमने, यानी एक ऐसा नेम जिससे ग्रुप रिप्रेजेंट होता है, हम समझ जाते हैं बिना उसका ग्रुप मतलब उसमें किस तरह के
मेंबर्स आपके होंगे या कोई और चीज होंगी, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, कॉमन नाउन की तो यही होता है सबके लिए कॉमन होता है, जैसे बॉयज गर्ल्स, लेकिन वो ग्रुप नहीं कह रहे हैं, बॉय एक बॉय ग्रुप नहीं कह रहे हैं, बॉय या बॉयज को, गर्ल्स गर्ल्स को ग्रुप नहीं कह रहे, टीचर्स को ग्रुप नहीं कह रहे, ठीक है, ग्रुप नहीं कह रहे। हम क्या कर रहे हैं, आप ऐसे मान लीजिए जितने भी नाउन है कॉमन, जितने भी नाउन है कॉमन नाउन को सबको एक ग्रुप दे दिया, मतलब बहुत सारे कॉमन नाउन है, एक वाले एक जैसे बहुत सारे कॉमन नाउन है, सपोज उस पूरे को हमने बजाय इतने सारे बोलने के, एक दो तीन ऐसे बोलने के बजाय एक नाम ऐसा दे दिया जिससे वो पूरे का पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट हो सके, उसे हम कलेक्टिव कहते हैं। कॉमन नाउन ग्रुप नहीं होता है, कॉमन नाउन ग्रुप नहीं होता, जबकि ये ग्रुप होता है बहुत सारे कॉमन नाउन का, ये अकेला नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बंच ऑफ की, सपोज एक चाबी का गुच्छा, ये तो आपको हिंदी में तो पता ही है, चाबी का गुच्छा बोलते हैं, चाबी का गुच्छा देना, इसका मतलब क्या होगा, बंच देना है, आप समझ जाओगे कीज की बात हो रही है, बंच ऑफ कीज। आप ऐसे तो नहीं करोगे यार इसमें बहुत सारी चाबी जो लटक रही है, बहुत सारी चाबियां दे दो, उसकी बात पूछ करोगे जरा देना गुच्छा देना चाबी का, ऐसी बोलोगे आप, बजाय ऐसे बहुत सारी इसमें चाबी लटक रही वो देना, नहीं, ठीक है। आप देखिए मतलब बहुत सारे जो नाउन थे कीज, बहुत सारी कीज थी, उसको हमने एक नाम दे दिया बंच, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, बंच कॉमन नाउन नहीं है। बंच क्या है, बंच के अंदर बहुत सारी कीज होंगी, ये हम समझ जाएंगे। बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके तो बहुत ही कॉमन है, फूलों का गुलदस्ता, फूलों का, अगर आपको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है उसके लिए आप एक बुके ले जाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारे फूलों को लपेट के जरा मुझे दे देना, नहीं आप क्या बोलोगे, भैया एक बुके देना, जरा रोज का बुके ले जाना, लिली का बुके ले, भैया एक रोज का बुके देना, एक लिली का बुके देना जरा, यही आप बोलोगे, ऐसे बहुत सारे फूल लिली के लपेट के दे दो रोज के बहुत सारे, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे ना। तो क्या होता है, जो कॉमन नाउन है, जैसे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, एक कॉमन नाउन है फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स है, उस कॉमन नाउन का एक हमने नाम दे दिया बुके, बुके से आप समझ जाओगे जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स बंधे हुए होते हैं, ये डिफरेंस होता है कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में, इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, और जिसको भी क्लियर ना आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे आईडी पे मेल करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये दो नाम होते हैं, मैंने यहाँ कुछ कॉमन होते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने बहुत यूज करते हैं और हमें पता होने चाहिए। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम, हम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे हम बोलते हैं अरे देखो भारत की क्रिकेट टीम है ये, आप इस पर टीम से ही समझेंगे, इधरे देखो कितने सारे वो आ गए प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर, हम क्या करेंगे, क्रिकेट टीम आ रही है, हॉकी टीम आ रही है, इधर से क्रिकेट टीम आ रही है, इधर से हॉकी टीम आ रही है, हम ये नहीं बोलेंगे इधर से बहुत सारे हॉकी के प्लेयर आ रहे हैं इधर से, तो टीम से आप समझ जाओगे उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो प्लेयर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम। हर के ग्रुप का नाम भी अलग होता है, हर को नाम ग्रुप नहीं दे सकते, जैसे फ्लावर्स का बुके दे दिया, कीज का बंच, इसी तरह से प्लेयर्स के ग्रुप को बहुत सारे, जब प्लेयर्स इकट्ठी हुए उसको नाम दे दिया हमने टीम, जब बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठी हुए क्लास, अब आप क्या बोलोगे, स्टूडेंट कॉमन, हाँ स्टूडेंट कॉमन नाम है, लेकिन क्या डिफरेंस हो गया, फिर बता रही हूँ कॉमन, उसमें स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, लेकिन उसके ग्रुप का हमने एक नाम दे दिया, हम जैसे बोलेंगे क्लास, हमसे अक्सर टीचर बचपन में शैतानी करते थे, क्या बोलती थी, डू यू वांट पनिशमेंट, हमारी क्लास में डू यू वांट पनिशमेंट, क्लास डू यू वांट पनिशमेंट, इसका मतलब क्या होगा, उस क्लास में स्टूडेंट से बात कर रही होंगी, वो दीवारों से बात नहीं कर रही होंगी, डोर से बात नहीं कर रही होंगी, कोई भी क्लास का नाम लेके डू यू वांट पनिशमेंट, क्लास व्हाट डू यू वांट, क्लास तुम्हें क्या चाहिए, नहीं वो स्टूडेंट से पूछ रही है, स्टूडेंट व्हाट डू यू वांट, तो हमें से क्लास की जरूरत पड़ेगी, हम मेरे माइंड में आ जाएगा, यानी क्लास मतलब इसमें बहुत सारे रूम में स्टूडेंट बैठे हैं, वो बन गई है क्लास, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, स्टूडेंट तो हो गया कॉमन, और बहुत सारे ग्रुप को कॉमन, बहुत सारे कॉमन नाउन बैठे थे उसको हमने ग्रुप बना के उसका नाम दे दिया, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्मी, जब भी कोई रेस्क्यू टीम वगैरह होता है वहां से आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया उसको बचाने के लिए आर्मी, तो आर्मी ने, हम खुद ही समझ जाएंगे, कोई डॉक्टर इंजीनियर की टीम तो आएगी, वहां से आर्मी आ रही है, आर्मी ने बचाव का काम कर लिया, आर्मी ने बचा लिया, ठीक है। कोई भी जब आता है कुछ भी डिजास्टर, ये वाली आर्मी आ गई, वो आर्मी आ गई, तो ऑब्वियसली हम समझ
यानी यानी सोल्जर्स की टीम आ गई, ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स के ग्रुप को भी बंच बोलते हैं, की के ग्रुप को भी। क्रिमिनल के ग्रुप को गैंग बोलते, कहते ना पूरा का पूरा गैंग शामिल था उसके यहाँ जो चोरी हुई, पूरा गैंग था, केवल एक नहीं था, पूरा गैंग था। इसका मतलब बहुत सारे थीफ थे उसमें, बहुत सारे क्रिमिनल थे, यानी उसमें कोई एक नहीं था, पूरा का पूरा गैंग था। तो हमने लिखा बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, हमने बस कह दिया पूरा गैंग आया था, गैंग से नाम समझ गया क्रिमिनल, कुछ बुरा करने वाले जो होते। शूज, शूज के ग्रुप को हम बोलते हैं पेयर। बी, बी के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वान। इसी तरह से बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक। कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। तो ये आपके हो गए कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओनली वी कैन फील दिस टाइप ऑफ नाउन्स, ठीक है। इट इज अबाउट फीलिंग्स लाइक एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, लव। इसको आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो, ना उसे खरीद सकते हो, ना उसे बेच सकते, लेकिन ये हमारी फीलिंग्स होती है जिसको हम एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं, और जिसके लिए हमने एक वर्ड दे दिया, तो वो भी एक टाइप का नाउन है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ईजी नाउन होते हैं ये, बहुत ईजी होते हैं, इसको कुछ समझाने की ज्यादा बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। इट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन ओनली बी फेल्ट, जो कि फील ही किए जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। और इसके अलावा लास्ट नाउन आपका मेटीरियल नाउन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कोई भी चीज जो किसी सब्सटेंस से बनी हो, किसी भी मेटल से बनी हो, उनको हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, फाइबर, क्लॉथ, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे जाते हैं मेटेरियल नाउन में, जिसके लिए कोई भी मेटल यूज हुआ हो, कोई भी सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं, वो आपके मेटेरियल नाउन होते हैं। बहुत ही ये इजी होते हैं। आपने फाइव मेन टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ ली है। अच्छा, एक और तरह से हम नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल जिसको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें उनको बताने के लिए, समझाने के लिए किसी मेजरिंग यूनिट या उसके साथ कोई क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है। क्यों? हमें तो नंबर्स आते हैं, 1 to 10 हम काउंट क्यों नहीं कर सकते, देखिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट लाइन। अब यहाँ पर डायरेक्टली जैसे बनाना, पेन, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, बोर्ड, ये सब हम काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें हम काउंटेबल आइटम्स में आती हैं, बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं वो काउंटेबल में आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो अनकाउंटेबल में आती है। जैसे मैंने ऐसा बताया, राइस, सॉल्ट, मिल्क, वाटर, मनी, वर्ल्ड। अच्छा, सबसे पहले जितनी भी लिक्विड चीज है उनको हम काउंट नहीं कर सकते। कैसे? मैं आपसे कहूं दूध, क्या आप मिल्क को ऐसे काउंट करोगे, एक दूध, दो दूध, तीन दूध? आप कैसे करोगे इसको, 1 liter, 2 liter, 3 liter ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें लीटर लगाने की जरूरत पड़ गई, विदाउट लीटर हम नहीं समझ सकते। तो कुछ मेजरिंग यूनिट और क्वांटिटी हमें उसमें लगाने की जरूरत पड़ी, तो ये आपके होते हैं अनकाउंटेबल। इसी तरह से राइस और सॉल्ट। अब आप कहोगे राइस तो मैं काउंट कर सकता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ, मैं 1 kilo चावल खरीदने जा रही हूँ, 2 kg लेने जा रही हूँ। हाँ, आप जाते हो, खरीद के भी लाते हो, लेकिन उसके साथ भी आपको केजी बोलना पड़ता है। 2 chawal लेना, तो वो 2 daane थोड़ी ना देगा आपको चावल के, आपको यूनिट का यूज करना पड़ा ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब आप बोलोगे सॉल्ट तो पक्का काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप शॉपकीपर के पास जाते हैं ना, तो सॉल्ट तो हम खरीदते हैं, भैया 2 packet दे दो, 3 packet दे दो नमक के। लेकिन आप एक बात बताइए उसको, आप तो पैकेट काउंट कर रहे हो उसके, तो वो तो पैकेट तो है ही है, काउंटेबल आइटम्स में क्या है? हाउ, ठीक है, पैकेट तो है ही है ना काउंटेबल आइटम, पैकेट की फॉर्म में काउंट कर रहे हो। इसी तरह से आप वाटर को बोल रहे हो, हम तो काम कर सकते, भैया 2 glass पानी दो, 2 glass, तो आप वो ग्लासेस को काउंट कर रहे हो, उसमें जो वाटर भरा हुआ है उसको डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहे, मतलब 2 glass में जितना वाटर आएगा उतना मिल जाएगा, तो ग्लास तो है ही है काउंटेबल आइटम्स, ग्लास तो है ही काउंटेबल आइटम, ठीक है। इसी तरह से वर्क, काम को, हाउ मच वर्क हैव यू फिनिश्ड, तुमने कितना काम कर लिया है, आप वर्क को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से मनी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मनी को तो पक्का काउंट कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ बना रही हूँ। कैसे? मैं अभी दिखा दूँ, 500 rupees है या फिर मेरे पास 1000 rupees है? हाँ, क्योंकि आप इसमें रुपीज काउंट कर रहे हो, रुपीज करेंसी है, उस फॉर्म में काउंट कर रहे हो, आप पैसे में काउंट कर सकते हो, रुपीज में काउंट कर सकते हो, डॉलर में काउंट कर सकते हो, किसी और करेंसी में रुपीज को, मनी को काउंट कर सकते हो, लेकिन
आप डायरेक्ट मनी को कैसे, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी ना, यानी उसके आगे आपको करेंसी का यूज करना पड़ा, तो ये भी अनकाउंटेबल चीज है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भी अब हमने नाउन के टाइप भी पढ़ लिए, फिर इनको क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए जो हम हाउ मच, हाउ मेनी, मच और मेनी का हम यूज करते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। जो अनकाउंटेबल आइटम्स है उसके साथ हम मच का यूज करते हैं और जो काउंटेबल आइटम्स है उसके साथ हम मेनी का यूज करते हैं। जैसे इस जग में कितना पानी है, How much water does this jug contain? ठीक है, तो इस पर हमने how much यूज किया, अगर how many कर दोगे, और ये आप जब भी कर सकते हो जब आपको countable और uncountable पता हो। अब books के लिए कहेंगे how many books are there? कितनी books हैं इधर, तो आप many यूज करते हो, आप how much नहीं लगाओगे। How much money do you have in your pocket? आपकी मनी पॉकेट में अभी कितना पैसा है, ठीक है, आई बात समझ। इस टाइप से आपके पूरा नाउन का टॉपिक खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ नाउन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेंडर ऑफ नाउन बताऊंगी। नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसकी हर टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत पूछिए मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेल आईडी में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।